हेलो एंड वेलकम। एंड दिस इज वन स्टोरी दैट वी हैव बीन ट्रैकिंग। हम लोग ये स्टोरी जनवरी से ट्रैक कर रहे हैं। रेसलर्स, द बेस्ट रेसलर्स ऑफ इंडिया, दे डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फंक्शनिंग ऑफ द WFI एंड इट्स प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण सिंह सरन। एंड दे वर इन जंतर मंतर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अ कमिटी वॉज सेट अप एंड वन थॉट दैट द मैटर वुड बी रिजॉल्व्ड। We had a chance of meeting Sakshi Malik and Dinesh Fogat in our conclave, and we spoke to them as part of the conclave as well. But हम लोगों को ये देखने को मिला कि कोई problem solve नहीं हुआ. And a couple of days back, once again, our best wrestlers have taken to the streets to protest. ये क्यों बार-बार हो रहा है? उनका मांगे क्यों पूरा नहीं हो रहा है? Problem क्या है? अभी ये मामला किधर है? Supreme Court has entertained their petition. फ्राइडे को सुनवाई है। इस सारे चीज लेके बात करने के लिए मेरे साथ अभी साक्षी मलिक। साक्षी, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। एग्जैक्टली वेयर इज दिस नाउ? क्योंकि आप लोगों का कुछ मांगे आप लोगों ने सामने रखे थे, कमिटी भी था, फॉर्म किया गया था। हम लोगों ने सोचा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट नहीं हुआ। आप लोग दोबारा प्रोटेस्ट शुरू कर चुके हो, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। द ऑनरेबल कोर्ट इज हियरिंग ऑन फ्राइडे। प्लीज टेल मी वेयर दिस मैटर इज। सर देखो, 3 महीने हो गए थे वेट करते करते। आपको पहला का तो सारा पता ही है कि क्या चल रहा था। कमेटी बनाई गई और उसमें जो है हम सारी लड़कियों ने बयान दिए, और जो बयान थे वो उसका रिपोर्ट बनाया, वो सबमिट किया नहीं किया अभी तक हमें नहीं बताया। और मजबूरन फिर हमें दोबारा धरना करना पड़ा, मजबूरन हमें FIR करनी, कंप्लेंट करनी पड़ी। हमने 21 तारीख को कंप्लेंट की थी, 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक FIR रजिस्टर नहीं कर ली है। मतलब आज 25 तारीख हो गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक FIR रजिस्टर नहीं कर ली। और जबकि उसमें से एक माइनर भी है, इतना सेंसिटिव केस है, माइनर होने के बावजूद 1 घंटे के अंदर अंदर उनको FIR करनी चाहिए थी, लेकिन 1.5-2 घंटे हमें पुलिस स्टेशन में बिठाए रखा और हमें मतलब सिर्फ रिसीविंग लेके हमें भेज दिया गया। फिर हमने 1-2 दिन वेट किया, कॉल किया तो बोलते हम छुट्टी पे हैं, फिर कॉल किया तो बोला कि हम, आप हमें मंडे को बात करना। तो मतलब कौन बोल रहा है हम छुट्टी पे है? कौन कह रहा है? SHO को कॉल किया था, मैंने पर्सनली कॉल किया था, वो बोल रहा है मैं छुट्टी पे हूँ। एंड नेक्स्ट डे फिर कॉल किया तो बोलते हैं आप मंडे को बात करना। मंडे भी चला गया, आज पूरा ट्यूजडे खत्म होने वाला है और कोई आगे कार्रवाई नहीं की उन्होंने। और दूसरी बात, कार्रवाई ना करके जितनी भी 7 लड़कियां थी ना सर, उनके नाम उन्होंने लीक कर दिए, और वो सारे नाम लीक फेडरेशन को पता चल गए हैं। उनमें से कुछ लड़कियों के पास फेडरेशन के 2 कोचेस उनको के घर पहुंचते हैं, उनको डराने की कोशिश करते हैं, उनको धमकाने की कोशिश करते हैं, पैसों में तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक कोच का नाम तो महावीर बिश्नोई है, द्रोणाचार्य वर्डी, और दूसरे का नाम है राकेश है, हरियाणा का सेक्रेटरी। ये तो वो ये गलत हरकत कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं अलाउ करता है कि लड़कियों के नाम बाहर आए, लेकिन पुलिस ने ये प्राइवेसी भी नहीं रखी कि लड़कियों के नाम रखे। डिले इसलिए किया जा रहा है कि जो टाइम मिले उनको और जो है लड़कियों को तोड़ा जाए, इसलिए ये इन सारी चीजों में डिले किया जा रहा है। तो बस हमने क्या फिर स्टेप लिया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना किया है, हमारी जो लीगल टीम है और हमारी जो है आज सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका को मान लिया गया है। फ्राइडे को उसकी सुनवाई है, होपफुली कुछ अच्छा होगा और उनको FIR दर्ज करनी ही करनी पड़ेगी। व्हाट यू आर सेइंग ये तो बहुत ही डेंजरस सा प्रेसिडेंट है कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, नाम लीक किए जा रहे हैं उनको ब्रेक करने के लिए। मैं ये भी पढ़ रहा था कि एक हरियाणा वर्सेस यूपी का कलर दिया जा रहा है। आप लोग ये भी प्रेस के सामने बोल चुके हो दैट यू नो व्हेन यू विन अ मेडल आप इंडिया के लिए जीतते हो, कोई यूपी या हरियाणा के लिए नहीं जीतता है। ये भी एक कलर दिया जा रहा है, एक पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो? सर बिल्कुल, देखो जब हम मेडल जीतते हैं तो हम कोई हरियाणा का फ्लैग या किसी स्टेट का फ्लैग लेके तो नहीं घूमते हैं, हम इंडिया का फ्लैग लेके अपने देश को रिप्रेजेंट करने जाते हैं। और आते हैं तो सब लोग इतना प्यार मान सम्मान देते हैं, तो कोई हरियाणा यूपी तो है ही नहीं। मेरी हरियाणा की भी फ्रेंड है, यूपी की भी फ्रेंड है, और ये सिर्फ मुद्दे को भटकाने के लिए है, पॉलिटिकल मतलब बातें ऐसे बीच में घुसाने के लिए है कि मुद्दे से भटक जाए, इसको ये बना दो कि ये तो हरियाणा वर्सेस यूपी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कोई हरियाणा वर्सेस यूपी नहीं है, हम एथलीट जो है पूरे देश के हैं, किसी एक पर्सनल स्टेट के नहीं। डर नहीं लग रहा?
सर सही बताए ना, अभी इतना आगे बढ़ गए, रात को वहीं सोते हैं, मतलब अभी मैंने अपना वहां होती तो शायद मैं आपको टाइम भी नहीं दे पाती। 5 मिनट के लिए सर मैं आई हूँ यहाँ, हमने पास में एक तो रूम्स करा रखे हैं थोड़ा सा वॉशरूम यूज करने के लिए, क्योंकि वहां वॉशरूम की सुविधा भी नहीं है, तो फटाफट आई, मैंने आपको मैसेज किया तो अभी मैं बता पा रही हूँ आपको, वही सोते हैं वही खाते हैं। अब डर यूं है, पहले लगता था जब शुरुआत में लड़ाई छेड़ी, लेकिन अब डर नहीं है, अब कुछ भी कर लो, हम तो फुटपाथ पे सो रहे हैं, खा रहे हैं, वही रह रहे हैं, तो डर नहीं है सर। ओलंपिक चैंपियन हो, ओलंपिक चैंपियन फुटपाथ पे सो रहे हैं, फुटपाथ पे खाना खा रहे हैं, हमारे देश में यहाँ तक मैटर आ चुका है। और उसके बाद भी देख लो किसी को कोई मतलब कोई आगे कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई हमारे पास नहीं आ रहा है। और पहले दिन तो सर मैं आपको बता दूं, जो पुलिस थी ना, खाना आया था घर से, जैसे घर वाले आए खाना देने हमें, क्योंकि आपको पता ही है कि बाहर का हम रेस्टलर्स कितना ही खा लेते हैं, तो खाना देने आए पुलिस वालों ने, खाना अंदर नहीं आने दिया, पानी तक भी रोक दिया गया पहले दिन तो। लेकिन उनको क्यों, आप लोगों का खाना क्यों नहीं आने देगा, कौन, आई मीन क्यों, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि हमने परमिशन जंतर मंतर पे बैठने के लिए परमिशन का एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी, फिर भी हम बैठे जबरदस्ती, क्योंकि वो तो ऊपर से उनको प्रेशर था कि इनको परमिशन नहीं देनी है, लेकिन बिना परमिशन भी हम वहां बैठे, तो ऊपर से दबाव आया होगा, उन्होंने खाना और पानी सब बंद कर दिया कुछ देर के लिए, लेकिन ठीक है हम बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कोऑपरेट करना शुरू किया कि ठीक है, क्योंकि है तो वो भी इंसान ही ना, उनको भी पता चलता है कि ये भी सारा दिन के यहाँ बैठे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा कोऑपरेट किया। और बस अभी तो यही है कि पुलिस, दिल्ली पुलिस से शिकायत है कि 4 दिन पूरे हो गए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, ऊपर से नाम और लीक हो रहे हैं। सर जीत पाओगे ये लड़ाई? सर वही बात, अभी तो अभी पता है क्या लगता है कि या तो जीतेंगे या फिर मरेंगे, ऐसा ही ऐसा सा फीलिंग आती है, क्योंकि अभी उठना नहीं है सर वहां से, चाहे 1 महीना कितना भी टाइम लग जाए। हमारे किसान जो थे वो यूं मान लो 13 महीने 13 दिन रोडों पे रहे हैं, तो हमें तो 3 दिन पूरे हुए हैं आज, देखते हैं 1 महीना 2 महीना कितना चलता है, जितना हमारे में सरसास होगा ना उतना हम लड़ेंगे। हमारे कॉन्क्लेव में भी ये सवाल आपसे पूछा गया था, सबको की सबूत दो, आप लोग तो सबूत देने के लिए FIR करने के लिए थाना भी पहुंच चुके थे, पुलिस को FIR करने के लिए आप लोग तैयार हो। So, ये जो सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि सबूत दो सबूत दो सबूत दो, उसके बारे में आप तो अभी सबूत देने के लिए भी तैयार हो, राइट? सर मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, जैसे कमेटी की रिपोर्ट से तो पता चल ही गया कि वो प्रेसिडेंट के फेवर में गई है, क्योंकि उसने वापस से फेडरेशन चलाना शुरू कर दिया है, वापस से अपने हल्के में उसने नेशनल करवाया है, और जो सस्पेंडेड थे कर्मचारी वो वहाँ मेडल सेरेमनी पे मेडल पहना रहे हैं पहलवानों को, तो मैं बता दूं कमेटी की रिपोर्ट तो उनकी तरफ ही गई है, लेकिन जब कमेटी में हम बयान देके आए ना, 13 से 15 जने थे टोटल, लड़का लड़की मिला के हम सब उस रूम में थे, और जब लड़कियां बयान दे रही थी ना, बयान लेने वाले जो वहां पे मेंबर्स थे ना कमेटी के, सर वो खुद रोए हैं, लड़कियां खुद इमोशनल हुई हैं कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, मैरी कॉम जी खुद इमोशनल होके बोली है कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, और भी जो कमेटी की लेडीज मेंबर थी वो बोले कि आप भी चुप हो जाओ, वो खुद रो रही हमारे साथ, तो आप ये बताओ उस टाइम हमारे साथ रो रही है और रिपोर्ट ये आती है कि बयान में कुछ नहीं मिला, तो ये क्या दोहरा है, क्या ये किसका प्रेशर है, किस चीज का प्रेशर है, कौन प्रेशर डाल रहा है, तो ये तो देख लो दिखती सी बात है। पहले तो हम ये चीज कॉन्फिडेंशियल रख लेते, क्योंकि हमारे पे साइन कराए गए थे कि कमेटी के जो रूम के अंदर की बात है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, लड़कियों के नाम ही बाहर आ गए, तो अभी हम रूम की भी बात बता सकते हैं कि वहां क्या क्या हुआ। अरे मैं सुन के एकदम हैरान हो रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो, 7 टॉप क्लास एथलीट्स, 1 माइनर वांट टू रजिस्टर एन FIR दैट इज नॉट बीइंग टेकन, नंबर 1. 2, the committee members themselves cried when they submitted their own testimonies. And now, obviously, we don't know the report. So, we are not privy to the report. But from what Sakshi is saying, clearly, Brijbhushan Singh Saran has taken control back and his people who were suspended are doing the medal ceremonies. Then we know where this is headed. Sakshi, what's the end? I mean, if this is what it is, now, मैं ये पढ़ रहा था, government has declared वो 7 मई का जो इलेक्शन प्रोसीजर था उनको नल एंड वॉइड कर दिया गया है कि नया इलेक्शन होना चाहिए, IOA को बोला गया है कि रेसलिंग फेडरेशन बैन करके नया एक
इलेक्शन होना चाहिए, उस पे आपका क्या मानना है? सर वो अभी ये पहले तो 3 महीने क्यों नहीं किया ये सारी चीजें, पहले तो शांत बैठ गए कि ठीक है अभी रेसलर्स सॉरी कि अभी रेसलर्स दोबारा नहीं आएंगे, जब तो उन्होंने कोई स्टेप लिया नहीं, लेकिन सडन प्रोटेस्ट करने के बाद ये सारी चीजें कहां से निकल के आ रही है। अब उन्होंने कमेटी भी बना दी, अब उन्होंने ये भी वो कर दिया, ये सिर्फ सर बोलने वाली बातें हैं, हम अब इन चीजों पे आके अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। पहले ही हमारे प्रोटेस्ट में हमारे साथ राजनीति हुई है, हमारे साथ पॉलिटिक्स हुई है, कुछ गलत लोगों की वजह से हमने वो धरना खत्म करना पड़ा और हम हमारा माइंड उन्होंने मैनिपुलेट किया कि हम इंसाफ दिला देंगे, हम उन्होंने आश्वासन हमें गलत दिया और हमारा धरना खत्म करवाया, लेकिन अब किसी भी ऐसे उससे हम अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करने वाले हैं सर। साई का एक ऑफिशियल लास्ट क्वेश्चन मैं सुन रहा था और पढ़ भी रहा था कि साई का सीनियर ऑफिशियल आप लोगों के पास आके आप लोगों को कन्विंस करने का कोशिश भी उन्होंने किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ कल इवनिंग में वो आए थे और हमने बातचीत की उनसे और वो सिर्फ यही बोल रहे थे नहीं सब ठीक हो जाएगा, आप प्रोटेस्ट खत्म कर दिया कर दो। हमने बोला कि सर ठीक है कर देंगे आप प्रोटेस्ट खत्म, आप एथलीट के बारे में इतना सोच रहे हो तो आप सबसे पहले ऐसा करो, हम ना खाने का हमारे पास ना कुछ, आप सबसे पहले खाने पानी की व्यवस्था करवा दो। वो तक नहीं वो कर पाए, वो एथलीट का क्या भला कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन तो हमने ये रखा था, सारा सारा दिन हम गर्मी में अभी देख लो दिल्ली में कितना टेम्परेचर है, हम वहां बैठे रहते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं करवाई, फूड की नहीं है, तो वो चीज तो उन्होंने करवाई नहीं, तो एथलीट का क्या भला सोच रहे हो वो इस चीज पे। मतलब कोई उनका कोई ठोस ये नहीं था कि वो हमारे लिए कुछ कर देंगे, बस वही है कि पहलाने फुसलाने वाली बात ठीक है प्रोटेस्ट खत्म कर दो, ये वो कर देंगे हम वो कर देंगे, क्या कर देंगे सर वो। मैं एक लेटेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट होते हुए सर मेरा जब टीम नहीं करते, एक टॉप्स का मेंबर था और ना अच्छे से बात करते, इसी बात पे मेरा टॉप्स पे नाम निकाल दिया। मैं लेटेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट थी, 16 में मेरा मेडल आया, 17 में मेरे को टॉप्स से निकाल दिया। तो किस तरीके की हम उनसे उम्मीद रख सकते हैं? हम लोग एक चीज पे उम्मीद जरूर रख सकते हैं, जुडिशरी, आई मीन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां पे आपका मामला अभी है, सुनवाई शुक्रवार को है, सो लेट्स नॉट say anything yet, साक्षी, शुक्रवार तक फ्राइडे तक वेट कर लेते हैं इस बारे में और दोबारा फ्राइडे आपसे बात करेंगे और एग्जैक्टली जो आप कहना चाहते हो वो सारे व्यूअर्स के पास लेकर चलेंगे। हम लोग पहले दिन से आपका ये प्रोटेस्ट कवर करते आए हैं, ऑब्जेक्टिवली कवर करते आए हैं और ऑब्जेक्टिवली कवर करते रहेंगे, इतना तो 100% आपको कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इसी पे ये आज खत्म करते हैं, बट विद द प्रॉमिस दैट वी विल बी बैक विद साक्षी मलिक, विनेश फोगाट एंड बजरंग पूनिया ऑन फ्राइडे व्हेन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड्स टू टेक दिस मैटर अप। बट जस्ट थिंक, ओलंपिक मेडलिस्ट्स, वर्ल्ड चैंपियंस स्लीपिंग ऑन द रोड इन 40 degrees centigrade हीट, नो वाटर, नो फूड, हैविंग टू डू their washrooms and other bio requirements on the road. These are the best athletes of India. Do they deserve this? Does India deserve this? Do our best people deserve this? The jury is out. I leave it at that. But all I will say is, as an Indian, as a sports fan, it hurts. It hurts to see my best suffer like this. It hurts to see Sakshi Malik cry in front of the media. It hurts to see Vinesh and Bajrang feel depressed and degraded in front of the media. It hurts when the police refuses to take an FIR from 7 of our decorated wrestlers. This is not our India. This has to get solved. Hopefully the Supreme Court will help us in that direction. On that note, Sakshi Malik, thank you very, very much. Thank you, sir. Thank you.